हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वातीज रसोई। आज मैं राज कचौरी बनाने जा रही हूँ। राज कचौरी एक शाही रेसिपी है, इसे सभी खाना पसंद करते हैं। यह खाने में स्वादिष्ट और चटपटी होती है। आप इसे आसानी से घर पे बना सकते हैं। रेसिपी देखने के लिए पूरी वीडियो को देखिए। आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को प्रेस कीजिए, उसके बाद बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। राज कचौरी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 1/4 कप सूजी, एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी खाने वाला सोडा, 1 चम्मच नमक, आधा कप काला चना, आधा कप मूंग दाल। दोनों को मैंने 4 से 5 घंटा पानी में सोख किया है और उसे थोड़े से नमक के साथ उबाल लिया है। एक बड़ा उबला हुआ आलू, जिसे मैंने छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 2 बड़े, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, 1/4 चम्मच मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, हरी चटनी इमली की मीठी चटनी, 1 चम्मच अनार के दाने, 2 कप दही, जिसे मैंने 1 चम्मच चीनी और 1/4 चम्मच नमक डालकर फेंट लिया है, और तलने के लिए रिफाइंड ऑयल। एक बॉल में मैदा डालेंगे, सूजी हल्दी मीठा सोडा थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच तेल, इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें ज़्यादा मोयन नहीं डालना होता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथ लेंगे। इसका आटा मीडियम हार्ड गूंथना है और इसे 10 मिनट तक ऐसे गूंथते रहना है, जिससे कि यह सॉफ्ट हो जाए। आटा गूंथ लिया है, देखिए ये कितना सॉफ्ट है। अब हम इसे ढक करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। एक बार गूंथ लेंगे। इसे गूंथकर बहुत ही चिकना कर लिया है, देखिए कितना सॉफ्ट और चिकना डो बना है। कढ़ाही में तेल गरम करेंगे। जब तक तेल गरम होता है, तब तक हम राज कचौरी के लिए पूरी बना लेते हैं। आटे से मीडियम साइज की लोई बना लेंगे। इतने इंग्रेडिएंट से 6 से 7 पूरी बनेगी। यह देखिए लोई का साइज। एक लोई लेंगे, उसका पेड़ा बनाएंगे और इसे बेल लेंगे। इस साइज की पूरी बनाएंगे। बाकी के लोई की भी हम पूरी बना लेंगे। पूरी बना लिया है, अब हम इसे तलेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें पूरी डालेंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा हुआ है। देखिए पूरी कितना अच्छा फूला है। थोड़ा ऑयल इसे चारों साइड से डालकर पकाएंगे। पूरी गोल्डन हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम सभी पूरी को तल लेंगे। राज कचौरी के लिए पूरी तल लिया है, अब इसे पंखे के हवा में आधा घंटा तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। एक बॉल लेंगे, उसमें चना डालें, मूंग आलू नमक स्वाद के अनुसार, हरी मिर्च धनिया पत्ती मिर्च पाउडर
जीरा पाउडर, चाट मसाला, थोड़े से अनार के दाने, थोड़ा ऊपर से गार्निश के लिए बचा कर रख लिया है। अब इसे मिला लेंगे। इसे मिला लिया है, अब हम इसे साइड में रख लेंगे। एक पूरी लेंगे, इसे गोलगप्पे की तरह बीच में होल बनाएंगे। अब इसमें स्टफिंग डालेंगे जो हमने दाल और आलू का बना के रखा है। 2 चम्मच इसमें हमने डाला है। अब इसमें एक बड़े डालेंगे, ऊपर से 1 चम्मच और डालेंगे ये दाल वाली स्टफिंग। अब इसमें 3 से 4 पापड़ी तोड़कर डाल देंगे। अब इसमें दही डालेंगे। अब इसमें हरी चटनी डालेंगे। लाल चटनी, थोड़े से अनार के दाने, धनिया पत्ती। राज कचौरी तैयार है, आप इसे जरूर बनाइए। आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल को जरूर प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। थैंक यू।